हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, योर टुडेज क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। आज की आपकी क्लास का फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में, पहले की क्लासेस में अक्षर ई, ये देखिए, ये है अक्षर ई, छोटा ई, ई से इमली, इसको वर्कबुक में बनाना सीखा था। ये जो डॉटेड अक्षर ई दिया है, हमने इसमें पेंसिल चलाई थी और इसको वर्कबुक में बनाना सीखा था। आज इसी अक्षर ई को हम अपनी हिंदी की कॉपी में, ये आपकी हिंदी की कॉपी है टू लाइन की, इसमें बनाना सीखेंगे। देखिए, ये है अक्षर ई, छोटा ई, छोटे ई से इमली, इसको आज हम कॉपी में बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें सभी अक्षर इन दो बड़ी लाइनों के बीच में बनाना है। ये देखिए, ये है अक्षर ई और मैंने यहाँ पर 1 2 3 डॉट लगाए हुए हैं। मम्मी आपको डॉट लगा के देंगी, आपको डॉट पर बनाना है। देखिए, आपको यहाँ पर टू लाइन के बीच में ऐसे नीचे से 1 2 3 इस लाइन तक डॉट बने हुए दिखेंगे। आपको क्या करना है, इस लाइन से जो पहला वाला डॉट है यहाँ तक एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर यहीं से ऐसे छोटी सी कर्व लाइन इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, अपने उल्टे हाथ की तरफ, और उसके बाद यहीं से एक और कर्व लाइन सीधे हाथ की तरफ और यहाँ से एक छोटी सी ऐसी नॉट लगा देनी है। ये बन गया अक्षर ई। और आपको अक्षर बनाने के बाद ऊपर ऐसी आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन जरूर खींचना है। कोई सा भी अक्षर हम बनाएंगे उसके ऊपर ऐसी आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन जरूर खींचेंगे। अब वापस से एक छोटी सी खड़ी रेखा बनाइए, स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व लाइन, फिर राइट हैंड की तरफ कर्व लाइन और यहाँ पे छोटी सी ऐसी नॉट और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ओके, ध्यान से देखिए आप मैम कैसे बना रहे हैं। इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो जगह खाली है वहां पर हमें छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर यहाँ से छोटी सी कर्व लाइन, फिर एक और कर्व लाइन और फिर नॉट और ऊपर स्लीपिंग लाइन। डियर स्टूडेंट्स, इमली का बनाना टफ है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या करो, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बना के एक लेफ्ट हैंड की तरफ कर्व लाइन, फिर यहीं से एक राइट हैंड की तरफ कर्व लाइन, यहाँ पे छोटी सी ऐसी नॉट लगा दीजिए और ऊपर स्लीपिंग लाइन, तो क्या बन जाएगा, ई इमली का। बिल्कुल आपको हाथ को ऊपर ऐसे जैसे स्टैंडिंग लाइन बनाई, अब आपको हाथ को ऐसे उठाना नहीं है, यहीं पे आप पेंसिल को रखिए और यहां से ऐसी दो छोटी छोटी कर्व लाइन बनाते हुए यहीं पे एक नॉट लगा दीजिए और ऊपर स्लीपिंग लाइन आड़ी रेखा। देखिए, धीरे धीरे आपको बनाना है इसको। आज आप आपकी हिंदी की कॉपी में अक्षर ई इमली का बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बनाएंगे और आपको आज ई इमली का टू टाइम बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे। ओके, इमली का अक्षर बनाने के लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू।